दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी लोन का रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो में भी आपको लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन है, कितने का अप्रूवल मिली है और कितने समय का यहाँ पर लोन टर्म हमें मिला है, वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। साथ साथ एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पर 7 दिन या फिर 14 दिन वाले एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए कितने का अप्रूवल मिली है, कितने की हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट डिसबर्समेंट होने वाली है, सारी चीजें कवर करने वाले वीडियो में जाने के बाद ही। लेकिन एक छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फाइनल हो चुका है मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों, मेरे फोन में एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, ये है ट्रू बैलेंस इंस्टेंट पर्सन लोन एप्लीकेशन, जिसके जरिए से आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन पूरे 50,000 रुपए ले सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन टर्म 6 महीने मिल जाते हैं। दोस्तों, ये है एप्लीकेशन के डैशबोर्ड और यहाँ पर देख पाएंगे 13,966 रुपए लोन को रिपेमेंट करना है, यानी मैंने लोन ऑलरेडी ले रखा है। अगर हमारे पहले से सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा मैंने पिछले वीडियो में लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लेकर दिखाया था। आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के अंदर में दो तरह का लोन प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर ट्रू बैलेंस कैश लोन के नाम से आपको मिलेगी, दूसरा यहाँ पर लेवल अप लोन के बारे में मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर लेवल अप लोन के अंदर में 4,000 रुपए के लिमिट आपको मैक्सिमम मिल सकती है, जिसमें कि सिर्फ आधार पैन के साथ ही लोन प्रोवाइड कराती है। कैश लोन के अंदर में आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन 50,000 रुपए दिए जाते हैं, मैक्सिमम 6 महीने का समय आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट या फिर नेट बैंकिंग का सुविधा आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 13,966 रुपए लिया है, वो कैश लोन एप्लीकेशन के अंदर से लिया है। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, इस लोन को रिपेमेंट करके देखने वाले हैं कि दोबारा हमें कितने की अप्रूवल मिलती है या फिर नहीं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, सारी चीजें यहाँ पर लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोन रिपेमेंट करने वाले हैं। लोन रिपेमेंट करने के लिए रिपे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे 13,966 रुपए लोन को रिपेमेंट करेंगे। दोबारा रिपे नाउ वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे फ्री पॉइंट के अंदर में 264 पॉइंट है, जिसे हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे और यहाँ पर पेमेंट मेथड के अंदर में देख पाएंगे भीम UPI, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा डेबिट कार्ड के जरिए से किस तरह से आप लोन को रिपेमेंट करेंगे। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। 13,700 यहाँ पर फिलहाल हमें लोन को रिपेमेंट करना है 264 रुपए माइनस करके। चलिए पे वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगी, OTP कोड फिलअप करेंगे और नीचे से वेरीफाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पाएंगे मेरी ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है यहाँ पर पहले से ऐड है। अगर अनदर ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर आप टैप करेंगे। आप यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, कार्ड होल्डर नेम डालेंगे और CCV आप डालेंगे। उसके बाद नीचे से पे वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। फिलहाल मेरी पहले से यहाँ पर ऐड है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। दोबारा आप पे वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के जरिए से मैं यहाँ पर पेमेंट्स करने वाला हूँ, यानी बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड के जरिए से। तो यहाँ पर देख पाएंगे आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगी, OTP कोड फिलअप करेंगे और नीचे से मेक पेमेंट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ऐसे करने से आप यहाँ पर लोन रिपेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर ऑर्डर रिसीव हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर फाइनली मैंने लोन रिपेमेंट कर दिया है। अब देखते हैं दोबारा हमें कितने के यहाँ पर अप्रूवल मिलने वाली है। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेगा। दोस्तों, फाइनली स्क्रीन के सामने देख पाएंगे यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली मैंने कर दिया है कैश लोन एप्लीकेशन के अंदर में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे टोटल यहाँ पर आपको 50,000 रुपए लोन मिल सकते हैं 5 मिनट के अंदर में, वो भी आपको इंटरेस्ट रेट जो लगता है 2.5% आपको देने पड़ते हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ पर लोन टर्म मिल जाता है 6 महीने के लिए। गेट लोन वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर हम दोबारा लोन अप्लाई करके देखने वाले हैं कि कितने के अप्रूवल मिलने वाली है और दोस्तों नीचे से आप नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे अगर आप 1 महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पर ड्यू डेट आपके सामने शो होगा। उसके बाद अगर आप 2 महीने से 6 महीने आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि अगर आप 2 महीने से 6 महीने अगर सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपका इंटरेस्ट फी आपका बढ़ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे मैंने 2 महीने से लेकर 6 महीने का यहाँ पर समय चूज कर लिया है और यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर पे लेटर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। ड्यू डेट से पहले 2 दिन पहले आपको यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन आ जाएगा अगर आप 1 महीने के अंदर में लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको 2 महीने या फिर 3 महीने का समय मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर 2 महीने से लेकर 6 महीने के लिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है और नीचे से नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
दोस्तों आपने यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेटस बताएंगे, दोस्तों यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन बताएंगे, हाउस टाइप बताएंगे, जॉब बताएंगे कि आप किस तरह का जॉब करते हैं, किस सेक्टर में आप काम करते हैं, किस तरह का आपका काम है वो चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे, किस फील्ड में वर्क करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर कंपनी नेम डालेंगे कि आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे कि आप ऑनलाइन या परचेस किए हैं या फिर ऑफलाइन। आपकी मंथली सैलरी क्या है वो चीज़ें डिटेल्स डालेंगे और नीचे से नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर बताएंगे कि आप सैलरी किस तरह से रिसीव करते हैं, बैंक चेक या फिर बैंक अकाउंट या फिर कैश के जरिए से, अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे योर लोन इज अंडर एवोल्यूशन, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर अप्रूवल के लिए हमें वेट करना है, देखते हैं कितने के अप्रूवल फिलहाल हमें यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर बैंक डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे नेट बैंकिंग या फिर अपलोड करना होगा हमें यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट कैश लोन के अंदर में, जैसा कि स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं PDF अपलोड करने वाला हूँ, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते तो ऐसे में आपको फास्ट सर्विस मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करता, मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने वाला हूँ PDF फॉर्मेट में। चलिए मैं यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड पहले कर लेता हूँ। अपलोड इन PDF फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख पाएंगे मिनिमम 3 मंथ का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। दोस्तों आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया है उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर में पासवर्ड होगा, आप पासवर्ड डालेंगे और नीचे से सबमिट करेंगे। और इस तरह से फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सबमिट मैंने कर दिया है और यहाँ पर क्लिक हियर टू फिनिश के ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमें कितने के अप्रूवल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे अंडर प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे 14,000 रुपये के फिलहाल अप्रूवल मिली है। जो भी हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट डिसबर्समेंट होने वाले थे 11,000 होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे एक्स्ट्रा ऑफर डिसबर्समेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो 3,000 रुपये हमें मिले हैं, यानी कि टोटल 14,000 रुपये हमारे बैंक खाते में क्रेडिट होने वाले हैं। और आपको यहाँ पर पूरे 1 मंथ का समय आपको देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है। लोन को रिपेमेंट करना होगा 17,950 रुपये, टोटल डिसबर्समेंट होंगे 14,000 रुपये। अमाउंट फी की अगर हम बात करूँ 4,324 रुपये लिए जा रहे हैं। इंटरेस्ट फी की अगर हम बात करूँ 437 रुपये हमें देना होगा। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ लाइव विथ प्रूफ पेमेंट के साथ, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन कब पूरा कर सकते हैं, कितने समय में अप्रूवल आपको मिलती है, किस तरह से ऑटो डेबिट नैच रजिस्ट्रेशन करना होता है या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पर सारी चीज़ डिटेल्स लाइव अप्लाई करके बता दिया है। यहाँ पर फिलहाल देख पाएंगे 14,000 रुपये की अप्रूवल है और 17,950 रुपये हमें लोन को रिपेमेंट करना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 जनवरी को यहाँ पर लोन को रिपेमेंट करना होगा, यानी अगले 2 जनवरी को। सपोज दैट अगर आप 2 जनवरी को लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आपको 2 दिन पहले पे लेटर का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कि आप 2 मंथ या फिर 3 मंथ के बाद फिर दोबारा आप लोन का रिपेमेंट कर पाएंगे, ऐसे में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप 2 जनवरी को लोन का रिपेमेंट करेंगे तो ऐसे में 17,950 रुपये ही आपको पेमेंट्स करना होगा, यदि आप यहाँ पर 14,000 रुपये लोन लेते हैं तो। है ना बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन, अच्छा खासा आपको यहाँ पर लोन टर्म देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।